नमस्कार, जय माता की, जय मा दुर्गा, जय मा काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी। सभी इष्ट, सभी यूनिवर्सल एनर्जी को नमस्कार। जो रेकिस गुरु हैं, लामा फिरा गुरु जी, उनको भी नमस्कार। तो मैं श्रवण राजपूत आप के सामने माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ से आपका स्वागत करता हूँ। एक तो गर्मी बहुत हो रही है, वीडियो नहीं बन रही है यहाँ पे, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है, इस टाइम का जो वीडियो है, क्वेश्चन के ऊपर है। मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी कि जिन्होंने यहाँ से सीखा है, अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कभी किसी को मना नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन आया था, देखिए वो वीडियो मांगी उन्होंने, वीडियो बना दो, लेकिन वो वैसे तो मैं उसको पर्सनली भी रिकॉर्ड मैसेज करके भेज सकता हूँ। चलो वीडियो की डिमांड के, चलो और भी देख लेंगे जो लामा फेरा सीखे हुए यहाँ से। पर्सन तक थायराइड के लिए लामा फेरा हीलिंग सीख कैसे करेंगे, जो लामा फेरा से थायराइड ठीक करनी हो तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है, कोई अलग फॉर्मेट नहीं। रेकी में कैसे करते हो, रेकी में आप चक्रा क्लीन करते हो, उसके बाद चक्रा चार्ज प्यूरिफाई करते हो, फिर चार्ज करते हो, फिर सिंबल लगा के हीलिंग करते हो। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि थायराइड होता क्यों है, उसके कोज क्या है। T3 T4 TSH बढ़ जाता है, थायराइड हो जाता है, वो कम हो जाते हैं तो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है छोटी छोटी, यहाँ पे थायराइड होता है, जो पौष्टिक जो खाना खाते हैं, जो हम खाते हैं उसको पौष्टिक बना के अंदर भेजता है। सेकंड, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, डिप्रेशन में हो, बार बार आप कुछ ज़्यादा सोचते हो, थॉट प्रोसेस आपके नेगेटिव हैं, उससे भी थायराइड होता है। तो टेंशन कम लो, सभी को हो जाती है टेंशन, हमें भी हो जाती है, लेकिन उसको कम करो, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिमूव करो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको टेंशन नहीं होती होगी, हो जाती है सभी को। उसके बाद विटामिन ए की कमी के कारण थायराइड होता है, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड होता है, और भी कई चीजें जिनकी वजह से थायराइड हो जाता है। थायराइड होने के बाद शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मोस्टली सभी को पता जिनको थायराइड हो रहा है। हार्ट बीट बढ़ जाना, सांस फूलना, दर्द होना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाते हैं। तो ये तो है कोज थायराइड की। अब ये हीलिंग कैसे करें, सबसे पहले तो आपको पता थायराइड कहाँ पे ग्रंथि है, उसकी थ्रोट चक्रा पे। तो आपको थ्रोट चक्रा को हील करना है। लामा फेरा सिंबल आपको पता ही है कौन से सभी से हील होता है थ्रोट चक्रा, पहले सिंबल से भी होता है, उसके बाद आपका बैलेंसिंग सिंबल से भी होता है जो मास्टर टीचर में है, और 7-8 बुक के अनुसार जो है, बुक के अनुसार जो है 9-10 नौवे और दसवें सिंबल से भी होता है। फॉर्मेट वही रहेगा आपको, थ्रोट चक्रा पर विशेष ध्यान देना है, और स्ट्रेस रिमूव करने लिए थर्ड आई चक्रा, और ज़्यादा नेगेटिविटी सोलर चक्रा पे आती है, सोलर चक्रा पे ध्यान देना आपको, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम भी होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा सोलर चक्रा पे अटैच होती है आके, यहीं से एंजाइटी शुरू होती है। जब आप कोई घबराहट होती है, यहाँ पे एकदम से कुछ होता है, गुड़गुड़ या जो भी होता है, घबराहट होती है, वो उठती 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 फिर दिमाग तक जाती है, फिर आप मेडिसिन खाते हो। ये सभी के साथ बीतती है, कोई भी हो चाहे, हम भी, हमारे साथ भी कभी हो जाता है, कभी जो कोई ज़्यादा हैवी केस हो जाता है, तो ये नेचुरल है। तो थायराइड को रिमूव करने के लिए आपको थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सोलर चक्रा, और थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करने के लिए रूट चक्रा पे जरूर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए सिंबल लगाना है। प्रोसेस वही रहेगा लामा फेरा हीलिंग का, जो प्रोसेस में आप आते हैं पहले वाला। अगर आप शॉर्टकट में जाओगे तो सिंपल लगाओ तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप
तो पहला लेवल वाला फॉर्मेट पूरा करो, फर्स्ट सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल, उठा उठा के फेंकने वाला सिंबल, उसके बाद दूसरा सिंबल, फिर आ गया आप मास्टर टीचर वाले बैलेंसिंग सिंबल जो डीएनए हीलिंग और बैलेंस वो सभी चक्रों बैलेंस करने के लिए होता है, वो सिंबल आप ऐड कर सकते, ऐड करके, और उसके बाद अगला सभी चक्राओं को चार्ज करता है, ये लास्ट से दूसरा तीसरा जो मैंने पहले उसमें बताया है, नौवां सिंबल है। तो आप ये सिंबल लगा के हीलिंग करोगे तो आपकी थायराइड जो भी पेशेंट है उसका रिमूव होना शुरू हो जाएगा थायराइड। मेडिसिन जिसकी चल रही है तो खाते रहिए, छोड़िए मत एकदम से कुछ भी, और खाने पीने में भी अपना ध्यान रखिए। प्रत्येक चीज की अफर्मेशन जरूर लगाइए, आप जो भी आप करना चाह रहे हो हीलिंग में तो आप अफर्मेशन जरूर लगाइए। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के चमत्कारी रूप से बताना मेरे को नहीं आता है, तो सिंपल लोग है तो सिंपल तरीके से ही बताऊंगा मैं, इतने हाई फाई नहीं है। ठीक है, हम जैसे कोशिश करते हैं जो भी पूजा पाठ या जो भी करने के, लेकिन सिंपल है तो सिंपल तरीके से आपके सामने जो भी है बता रहा हूँ। आशा करता है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको जवाब मिल गया होगा। सीधी सी बात, सबसे पहले बीमारी कोच ढूंढो, कौन से चक्रा से शुरू होती है और कौन से चक्रा पे किस किस चीज़ से शुरू होती है, उस तरीके से आप हीलिंग कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री, जय नंगे बाबा, भगवान शिव और माँ शक्ति आपको हमेशा खुश रखे, ब्लेस करे, प्रोटेक्शन दे, हेल्दी रखे, हैप्पीनेस प्रदान करे, सक्सेस प्रदान करे, प्रॉस्पेरिटी प्रदान करे, और आपके घर परिवार के जो भी ब्लॉकेज है जल्दी से रिमूव करे, ताकि आपकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी सुख शांति और खुशी के साथ बीते। नमस्कार, जय माता की।